सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम पत्र। मेरे बच्चे, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मैं तुम्हारा उठना बैठना जानता हूं। मैं तुम्हारे हर रास्ते से परिचित हूं। तुम्हारे सिर के सारे बाल गिने हुए हैं, क्योंकि तुम मेरे स्वरूप में बनाए गए थे। तुम मुझ में जीवित हो, चलते फिरते हो और अपना अस्तित्व रखते हो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। गर्भ में तुम्हारी रचना करने से पूर्व मैं तुम्हें जानता था। जब मैंने सृष्टि की योजना बनाई, उस समय तुम्हारा चुनाव किया। तुम्हारा अस्तित्व में आना कोई दुर्घटना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे दिन मेरी किताब में लिखे हुए हैं। मैंने तुम्हारे जन्म का निश्चित समय ठहराया और यह भी कि तुम कहाँ रहोगे। तुम्हारी रचना गंभीर व अद्भुत है। तुम्हारी माँ के गर्भ में मैंने तुम्हारी भीतरी अंगों का निर्माण किया और तुम्हारे जन्म दिवस पर मैं तुम्हें दुनिया में लाया। वे जो मुझे नहीं पहचानते हैं, उन्होंने मुझे गलत प्रस्तुत किया है। मैं तुमसे दूर या क्रोधित नहीं हूँ, पर मैं स्वयं प्रेम का संपूर्ण स्वरूप हूँ, और यह मेरी इच्छा है कि मैं अपने प्रेम को तुम पर उंडेल दूँ, और यह सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं सांसारिक पिता से भी कहीं अधिक तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं सर्वसिद्ध पिता हूँ। हर एक अच्छा दान जो तुम्हें मिलता है वह मेरे हाथों ही से आता है, क्योंकि मैं तुम्हारी आवश्यकताओं का पूरक हूँ और तुम्हारी हर घटी को दूर करता हूँ। मेरी योजना तुम्हारे भविष्य के प्रति हमेशा ही आशा से भरी है, क्योंकि अनंत प्रेम से मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मेरे विचार तुम्हारे प्रति समुद्र के बालू के समान अनगिनत है, और मैं गीतों द्वारा तुम्हारे प्रति आनंदित होता हूँ, और तुम्हारी भलाई करने से कभी मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरी बहुमूल्य संपत्ति हो। मैं अपने सारे हृदय और मन से तुम्हें स्थापित करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें महान और अद्भुत वस्तुएं दिखाना चाहता हूँ। यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे खोजोगे तो अवश्य पाओगे, मुझ में आनंदित हो, और तब मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने ही उन सु इच्छाओं को तुम्हारे हृदय में रखा है। मैं तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कर सकता हूँ, हाँ, इतना जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोत्साहक हूँ। मैं वह पिता हूँ जो तुम्हें हर मुसीबत में शांत बना देता हूँ। जब तुम्हारा हृदय टूटा होता है, तब मैं तुम्हारे निकट होता हूँ। जैसे एक चरवाहा भेड़ को उठाकर ले चलता है, उसी तरह मैंने तुम्हें अपने हृदय की निकटता में चलाया है। एक दिन मैं तुम्हारी आंखों से हर आंसू पोंछ दूंगा, और मैं तुम्हारे हर दर्द को जो संसार में तुमने सहा है निकाल दूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ, और मैं उसी तरह से तुमसे प्रेम करता हूँ जैसे मैं अपने पुत्र यीशु से करता हूँ, क्योंकि यीशु में मेरा प्रेम तुम पर प्रकट हुआ है। वह मेरे स्वरूप का सर्वसिद्ध प्रतिरूप है। वह ये दिखाने आया कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ, और तुम्हें बता सकूँ कि मैं तुम्हारे पापों का हिसाब नहीं लगा रहा हूँ। इसलिए यीशु मरा कि तुम्हारा और मेरा मेल मिलाप हो सके। उसकी मृत्यु तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम की सबसे बड़ी तस्वीर थी। मैंने हर प्रिय वस्तु न्योछावर कर दी ताकि तुम्हारे प्रेम को प्राप्त कर सकूं। यदि तुम मेरे पुत्र यीशु के दान को स्वीकार करते हो तो मुझे स्वीकार करते हो, और फिर कुछ भी तुम्हें मेरे प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकेगा। घर वापस लौटो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक अनुपम उत्सव मनाऊंगा। मैं हमेशा से पिता था और हमेशा पिता रहूंगा। मेरा सवाल यह है
क्या तुम मेरे बच्चे बनोगे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा प्रेमी पिता।